हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। ठीक है, लॉगरिथम का मेजॉरिटी पोर्शन खत्म हो गया है। ठीक है, लॉगरिथम की एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम अब बाकी है। ठीक है ना, तो हेडिंग वही डाल देता हूँ मैं, एप्लीकेशन ऑफ। अब लॉग पढ़ा क्यों अपन ने? ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, इसमें क्या है, हम दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों का मैं नाम बता देता हूँ। पहला टॉपिक इज, ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ये कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा में ही हम एप्लीकेशन भी देखेंगे। ठीक है, कुछ नाम है किसी का, इसका मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन इज टू सॉल्व, इजली सॉल्व लार्ज कैलकुलेशंस। ठीक है, ये क्या है, ये यार ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, तुमको समझ ही रहा होगा लैंग्वेज से कि ये सर ने कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या है ये समझ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री में, इवन मैथमेटिक्स में, लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ खास नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री में मेनली यूज होगा ये। ठीक है, जैसे हमको फॉर एग्जाम्पल 441/997 निकालना है। ठीक है, और ये 0 point something something आएगा, 2 decimal place, 3 decimal place, समझ रहे हो ना, 0.1123 आता है, कुछ भी लिखा है मैंने। ठीक है ना, एग्जाम्पल ये, तो बोर्ड्स में बोलते हैं कि तुमको 3 decimal place तक सही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे हाथ से कैलकुलेट नहीं करते, हम उसमें लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये लॉक टेबल का यूज होता है, तो ये लॉक टेबल देखना भी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। तो ये जो सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, सेकेंड पार्ट में तुम लोगों को 12th में पढ़ाऊंगा। ठीक है, 12th के एंडिंग में, मतलब तुम जब बोर्ड के एग्जाम देने वाले होगे, मान लो अप्रैल 2022 में, ठीक है ना, तो मैं तुम लोगों को ये जनवरी में, तो फेब 2022 में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना लेट क्यों, इतना लेट इसके लिए कि एक तो भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा वो स्टेप वाला पोर्शन है, 6-7 step बताऊंगा, सिंपल सही है, एक लेक्चर में ही हो जाता है, लेकिन उसी समय काम आएगा। और अभी ऐसा है कि हमको अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में काम भी नहीं आने वाला है, तो अप्लाई कर करके ही सीखते हैं, तो उस समय लास्ट में ही एप्लीकेशन रहता है, तो लास्ट में बताऊंगा। अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमारे लिए हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ लगता है लोगों को, रट्टा मारते हैं, मैं तुमको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, वो समझ जाए तो ठीक है, अदरवाइज रटने का तुमको एक तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, उसके उससे पहले हम है ना इसमें टूल्स देख लेते हैं। टूल्स का मतलब क्या है, कि क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद मैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा को इंट्रोड्यूस करूंगा, पहले हम पूरे टूल्स देखते हैं। तो सबसे पहला टूल जो है, ये तुमको याद करके रखना है, लॉग 2 विद बेस 10 इज 0.3010, इसको मैं लॉग 2 विद बेस 10, इसको मैं आज से लॉग 2 लिखूंगा बस। ठीक है, और लॉग 3 विद बेस 10, मैंने बोला था बेस में कुछ नहीं लिखा था, 10 होता है, 0.4771, इसको मैं आज से लॉग 3 बोलूंगा। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे बहुत काम आएंगे, इन दोनों को तुमको याद करना है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी याद करने नहीं बोला है। ठीक है, तुमको मैंने पूरा लॉक पढ़ा दिया बिना कुछ याद करवाए हुए, 2-3 मैंने प्रॉपर्टीज कब तो स्टार्टिंग में बोली थी, उसके बाद तो पूरा का पूरा मैंने तुमको तरीके से समझाया है सब कुछ। ठीक है, तुमको अगर याद करना है तो याद करने के लिए भी बोला है कि याद कर सकते हो, लेकिन वैसा कुछ ऐसे खास नहीं बोला कि यार ये रटोगे, ये तो इसका ये फॉर्मूला रटो, सब मैंने जुगाड़ से सब समझाया था तुम लोगों को, बस अभी ये दोनों चीज बोल रहा हूँ कि ये दोनों रट्टा मार लो तो ये काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ सवाल करते हैं, इसको यूज कैसे करना है वो समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फर्स्ट लॉग 6 विद बेस 10। ठीक है, हमको ये निकालना, सिर्फ लॉग 6 लिखते तो समझ जाएंगे बेस में तो 10 ही है। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, मुझे ये दोनों रट के उसको यूज करके इन दोनों की वैल्यू निकालना है। तो लॉग 6 को मैं लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 into a। ठीक है, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, तुमको पता है लॉग 2 प्लस लॉग 3, लॉग 2 तुमको दिख रहा है 0.3010, लॉग 3 तुमको दिख रहा है 0.4771, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1877 0.7781। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब मेडिकल वालों को नहीं आता है, क्योंकि मेडिकल वालों को लॉग टेबल यूज करने बोलते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों को, तुम लोगों को, जेई वालों को भाई अलाउड नहीं रहता लॉग टेबल। ठीक है, आईआईटी में, तो इसीलिए तुम लोगों को ये प्रोसेस भी अच्छे से आना चाहिए, ये भी पूछ सकते हो। ठीक है, और बहुत आसान सा ये, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लगा होगा। ठीक है ना, मुझे तो बहुत आसान लगता है। ठीक है, तो बस तुमको इसमें क्या दो चीज़ें रट्टा मार के रखनी है,
लॉग टू और लॉग थ्री की वैल्यू। सेकेंड वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो लॉग 18। ठीक है देख लो मैं तुमको समझा देता हूँ, ऐसे तुमको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, सब निकाल लोगे, तुमको लॉग टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है अभी के लिए तो 18 को स्प्लिट किया 3 स्क्वायर इंटू 2, अरे 9 इंटू 2, इसको लिखा लॉग 3 स्क्वायर प्लस लॉग 2। 3 स्क्वायर को तुमको पता है लिख सकते हैं 2 लॉग 3, अरे 2 सामने उतार लिया। ठीक है लॉग 3 की वैल्यू हमको पता है 0.4771 और इसकी वैल्यू 0.3010। इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.2552। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है मैं लास्ट पोर्शन के बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, ये नहीं समझ में आएगा तो ऐसा लगेगा चैप्टर में कुछ नहीं आया, इसी के लिए समझा दे रहा हूँ ये आराम से। लॉग 5 निकालना है तो अब ये 5 को क्या लिखो, कैसे तोड़ो, कोई मल्टीप्लीकेशन में टूटता ही नहीं, तो मैंने फिर सोचा डिवाइड, 5 को लिखा 10/2 अपॉन में रहता है तुमको पता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 20 में क्या 10, लॉग 10 में तो बेस 10 क्या होगा 1, है ना, कुछ नहीं लिखा है तो। और लॉग 2 है हमारे पास 0.3010। ठीक है ये अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 0.6990। ठीक है कुछ लोग बोलते हैं ये भी याद करके रखो, ठीक है मैं नहीं बोलता हूँ ये याद करो, जिनको करना है जो याद कर सकते हैं वो कर लो, बहुत सही रहेगा। ठीक है ज़्यादा चीज़ें याद होगी तो काम तो होगा ही, फास्ट फास्ट होगा। ठीक है लेकिन इनको नहीं याद करना हो मत याद करो, मुझे भी याद नहीं है, मैं तो निकालता ही हूँ हर बार अगर यूज़ पड़ता है तो। ठीक है फोर्थ लॉग 15, कुछ लोगों का क्या रहता है क्योंकि उनको 5 याद होता है तो डायरेक्टली 5 और 3 में तोड़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमको 5 याद नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ 5 × 3, और 5 भी नहीं पता है इसलिए 5 को लिख रहा हूँ 10/2। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन, ये डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन वाले तो प्लस में टूटेंगे और डिवाइड वाला माइनस में टूट जाएगा। लॉग 10 इज 1, दिस इज 4.771 एंड दिस इज 0.3010। ठीक है अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 1.1761। ठीक है मैं तुमको एप्लीकेशन बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये सब पूछते नहीं है जनरली, लेकिन अभी हमको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है अभी जो मैं कैरेक्टरिस्टिक मैंटिस सा पढ़ाऊंगा उसमें, इसी के लिए ये सारी चीज़ें मैं इतनी धीरे धीरे बता रहा हूँ। लॉग 1.2, तुम वीडियो पॉज करो और खुद से करो वो बेस्ट रहेगा। 1.2 को लिखा 12/10, ठीक है पॉइंट हटा के 12 को लिखा 2² × 3/10। देखो इसको एक बार में ब्रेक कर देता हूँ, तुमको प्रॉब्लम है तो बताओ, 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 10। ठीक है देखो इसको लिखा 2² तो 2 सामने उतार लिया, फिर प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 10 डिवाइड में, तो ये सब क्या एक एक स्टेप में लिखना आना चाहिए, क्योंकि अब क्या हो गया मतलब 4 महीने होने को आए यार, अभी भी तुम लोग बच्चे जैसे नहीं करो कैलकुलेशन, थोड़ा फास्ट करना सीखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में ही पूरा समय बर्बाद करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि जो लोग, मैं चाहता क्यों, मैं इतना तुमको बताता हूँ कि तुम लोग अगर ढंग से जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें ढंग से सिर्फ सुनते भी जाओगे ना, मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ मत करो ऐसा तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं भी करोगे और तुम सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब ध्यान से सुन के समझते जाओगे ना, तो भी मैं कन्फर्म बोलता हूँ तुम 40% पेपर सही करके आराम से आ जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो आराम से 80% 90% और सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब मैं जेई की बात कर रहा हूँ, बोर्ड्स वगैरह में तो टेंशन ही मत लो, तुम बोर्ड्स वगैरह का पूरा काम करवा दूंगा मैं। ठीक है जैसे यहाँ पे बता ही दिया मैंने कि बोर्ड्स में यूज़ होता है, मुझे पता है कौन सा टॉपिक कहाँ पे यूज़ होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने देख लेंगे। ठीक है बस तुमको जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान से सुनते जाओ, समझ में आ रहा है ये? ठीक है आगे बढ़ते हैं और थोड़े बहुत सवाल करते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में अप्लाई करते हैं। अभी तक जो भी पढ़ाया सब क्लियर होगा, अब एक और सवाल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है लॉग 0.6 का बार मतलब बेस 10, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ 0.6 का बार, तुमने स्कूल में भी पढ़ा है मैंने भी पढ़ा है, इसको ऐसे सॉल्व करते थे, फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ 6666, फिर जितने के ऊपर बार होता था उतने से मल्टीप्लाई करते थे, तो 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है सब्ट्रैक्ट करते थे, कर देना 9x = 6 आएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x = 2/3 आएगा। तो एक्चुअली हमको क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है लॉग 2/3 विथ बेस 10, इसको क्या लिखोगे लॉग 2 माइनस लॉग 3 और फिर जो भी है 0.3010 माइनस 0.4771 पुट कर देना और वैल्यू निकल देना। ठीक है तो मैंने ये तो ऐसे ही करा दिया है, ठीक है यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। ठीक है
स्टार्ट करते हैं हम एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक और माइंड हिस्सा हमको पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट करो, देखो सबसे पहले मैं तुमको कैरेक्टरिस्टिक और माइंड हिस्सा पढ़ाने से पहले एक नोट लिखाता हूँ, ठीक है। नोट क्या है देखना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये आगे का पार्ट है, लेकिन अभी थोड़ा बताना पड़ रहा है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम एक्चुअली बोलते हैं GIF फंक्शन, ठीक है, GIF बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बस ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है जैसे ट्रिग्नोमेट्री साइन की डेफिनेशन होती है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मॉड की डेफिनेशन होती है कि उसके अंदर कुछ भी डालो पॉजिटिव निकलता है बाहर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लॉग की डेफिनेशन है, लॉग का तुमने देखा है कि लॉग एक्सपोनेंशियल्स को लिखने का दूसरा तरीका है, वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी एक फंक्शन है, ठीक है, जिसकी एक डेफिनेशन होती है। जैसे ये लिखा रहता है वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इस साइन का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स GIF, ठीक है। अब ये याद रखना, जब तक सवाल में मेंशन नहीं करके रहेगा कि ये ब्रैकेट GIF रिप्रेजेंट कर रहा है तब तक इसको GIF मानना नहीं है, अदरवाइज ब्रैकेट तो अपने हर जगह ही ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना। GIF होता क्या है तो मैं उसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी डेफिनेशन पर फोकस नहीं करना है, जब मुझे वो पढ़ाना है तो वो मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। अभी मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ कि GIF काम क्या करता है। GIF का मतलब होता है कि जैसे मैं लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, लेस देन। इसको मैं और भी बहुत सारे तरीके से भी समझा दूंगा तुमको, क्लियर हो जाएगा, मैं तुम धीरे धीरे पढ़ाता हूँ ये चीज, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू एक्स, जैसे एग्जाम्पल 2.2, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2 पूछा है, तो 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, एक ऐसा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर वर्ड तो ही, तो आंसर तो इंटीजर ही आना, ये याद रखना। एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो इससे छोटा है या इसके इक्वल है, तो इक्वल तो इंटीजर हो नहीं सकता, 2.2 को इंटीजर थोड़े ना है, तो जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा है, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर 2, तो 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2, समझ में आया। सिमिलरली अगर तुमसे कोई 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा है 3, समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली तुमसे कोई 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो उससे छोटा वाला इंटीजर, बड़ा वाला मत लिख देना कि सर 1 के पास है तो 1 लिख रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ ना छोटा वाला लिखो, डिफाइन ही ऐसे वन 0। अब इन सब का यूज क्या है वो भी मैं तुमको बताऊंगा जब मैं तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताऊंगा, ठीक है ना। ये सब प्रोग्राम्स जो हम एक सेकेंड, तो ये जो मैं बोल रहा था कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हैं ये सब प्रोग्राम्स लिखने के भी काम आते हैं, ठीक है। तुम आगे देखो कि कॉलेज वगैरह में जाओगे तो मैं भी एक तो एप्लीकेशन बताऊंगा, अगर कोई मुझे स्मार्ट एसी बनाना हो तो पिछले साल मैंने एक स्टूडेंट को एग्जांपल दिया था, स्मार्ट एसी का एक प्रोग्राम लिख के दिया, मतलब स्मार्ट क्या होता है यार, कुछ तो भी प्रोग्राम वगैरह के थ्रू वो काम करता है, तो वो स्मार्ट एसी का मैंने एक एग्जांपल दिया था मेरे स्टूडेंट को, तुम लोगों को भी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी तो नहीं दे रहा हूँ मैं, उस समय बता दूंगा तुमको, समझ जाएगा। बाकी अभी तुमको क्लियर होना चाहिए कि ये सब प्रोग्राम सीखने काम आते हैं, इसलिए सीखना पड़ेगा। अगर तुमको अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो तुमको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, मैथमेटिक्स बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.11, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो ये देख लो ध्यान से, जैसे अगर मैं तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई बोलूंगा तो पाई इज 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3, जो छोटा वाला इंटीजर, -0.11 का 0 मत लिख देना, ये पैटर्न देख देख के, ठीक है। -0.11 का छोटा वाला इंटीजर क्या होता है -1, 0 तो उससे बड़ा वाला इंटीजर हुआ ना, -1 छोटा वाला इंटीजर हुआ, 3 से छोटा वाला इंटीजर नहीं, मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी लिखा है, तो ये इंटीजर है तो इसका आंसर डायरेक्टली 3 आ जाएगा। मतलब अगर कोई इंटीजर ही रखोगे अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 बोलूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बोलूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 बोलूंगा, तो समझ सकते हो तुम, ये 0 ही आएगा, ये 1 ही आएगा और ये 100 ही आएगा, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे ही ये चीज मैं तुमको क्लियर समझा देता हूँ सब अच्छे से, ऐसे ही एक और फंक्शन होता है, ठीक है, सेम इसी टाइप का, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये FP लिखा रहता है, FPF भी लिखा रहता है, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में,
ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से सेट भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब तक ये मेंशन नहीं रहे कि कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट, तब तक उसको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं मानना है, कर्ली ब्रैकेट की तरफ डील करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, जैसे 1.1 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब इंटीग्रल पार्ट हटा दो, तो 1 हटा दोगे तो क्या बचेगा, 0.1, ठीक है, समझ में आ गया ना फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूंगा कि 1.98 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो उसमें से, तो क्या बचेगा, 0.98, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो, अगर मैं बोलूंगा 2.1 में, 2.5 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो तो 0.5 मिलेगा, समझ में आ रहा होगा ना, सिंपल सही है। अगर मैं बोलूंगा कि 0.56 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो यार उसमें इंटीग्रल पार्ट है नहीं, जीरो इंटीग्रल पार्ट, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही है 0.56, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि 3 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो इंटीग्रल पार्ट हटा दो, 3 में 3 हटा दोगे तो क्या बचेगा, 0, 3 में कोई फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं, पूरा का पूरा कौन सा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, समझ में आया, ठीक है। ये दोनों चीज क्लियर है, इसको कुछ लोग ऐसे समझाते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको कैसे समझाते हैं देखो, वो मुझे बेटर तरीका लगता है, ठीक है, वो अब मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये दोनों समझे ना तो अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एनी नंबर, एनी रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, फर्स्ट इज इंटीग्रल पार्ट, नाम दे दिया मैंने, तुम डेफिनेशन से समझ लो, और उसमें सेकेंड एक होगा फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों पार्ट होंगे उसमें, ठीक है, कोई एक जीरो हो सकता है लेकिन दोनों होंगे जरूर, ठीक है। तो जैसे कोई भी नंबर, अगर तुम एग्जांपल 3.14, ये दो पार्ट से मिलके बना, एक 3 और एक 0.14, इसको नाम दे देते हैं अपने इंटीग्रल पार्ट, समझ गए होगे अभी, और इसको नाम दे देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। मैं ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतने में तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा का काम हो जाता, लेकिन जब पढ़ा ही रहा हूं तो सुन लो, तो क्योंकि हार्ड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर x, एनी नंबर हैज टू पार्ट्स, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट, i और f लिख दिया, x इज इक्वल टू i प्लस f, ठीक है, ये भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू, इंटीग्रल पार्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और फ्रैक्शनल पार्ट को किससे रिप्रेजेंट किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो ये जो है, ये है डेफिनेशन, सबसे काम की डेफिनेशन, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझसे KVPY के बारे में पूछा था, KVPY के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके वीडियोस मेरे बन के स्वप्निल सर ने बनाया एक्चुअली, ठीक है, ट्विन वालों के लिए, तो ये मैं तुमको कभी भी सेंड करूंगा, ठीक है, मेरी जब इच्छा होगी बन के ये मेरे पास, और अगर इंस्टीट्यूट खुल जाता है तब तो पढ़ाऊंगा ही, अदरवाइज हम यहीं पे देखेंगे। तो ये बहुत काम का थ्योरम है, कोई भी नंबर को हम उस दो पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट की एक्चुअली डेफिनेशन ये है, जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखा था ना, यहाँ नहीं लिखा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन ये होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, ये डेफिनेशन ही है उसकी कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो बस क्या तुम्हें ना एक चीज याद रखना, जैसे छोड़ो, ठीक है, काफी है, मैं नहीं बता रहा वो चीज, मैं जब पढ़ाऊंगा ये दोनों डिटेल में तब बताऊंगा, ठीक है। इसमें हम अभी इतना ही रखते हैं, अब हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पढ़ने स्टार्ट करते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखाता हूं मैं, सब करता हूं, ठीक है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एन विथ अ बेस ए इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग एन विथ अ बेस ए, ठीक है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही लॉग में हमने अलग नाम दे दिया है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, और लॉग एन विद बेस ए का फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को हमने मैंटिसा नाम दिया है, क्लियर है ना। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस चैप्टर में ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैरेक्टरिस्टिक बोलना डिसाइड किया और फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटिसा बोलना डिसाइड किया है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज तुमको अच्छे से समझ में आई होगी, तो मैं आगे की चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसमें क्या है कि हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ढंग से और चीजें याद भी रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को तो अभी रहने देते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स
इन 2 की पावर 4, ठीक है। मैंने 2 की पावर 4 क्यों लिया, तुम बोलोगे सर ये कैसा सवाल हुआ, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 में कितने डिजिट्स हैं, 2, आंसर आ गया 2, ठीक है ना, लिख देता हूँ, ओके काम खत्म, आंसर इज 2, क्यों, क्योंकि 16 में 2 डिजिट है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तुम सोचो 2 की पावर 100 दे देता तो सॉल्व कर लेते, नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं यहाँ से तुमको 2 की पावर 4 सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ कि तुमको 2 की पावर 4 से ही मैं पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो तरीका देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं, एन इज इक्वल टू 2 की पावर 4 ले रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 की पावर 4 जो भी आने वाला है, 16 आने वाला है, उसको एन मान लिया। अब मैं टेक लॉग बोथ साइड, लॉग एन, लॉग 2 की पावर 4, बेस में क्या है 10 है, कुछ नहीं लिखा है, लॉग एन इज इक्वल टू 4 उतार नीचे, लॉग 2, क्लियर है, ठीक है। लॉग 2 की हमको वैल्यू पता है 4 × 0.3010, है ना, तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा, तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो 04 1.2040, ठीक है, क्लियर है, 1.2040। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सुनना, ठीक है, मैं 2-4 बार करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं तुमको एक फॉर्मूला बता दूंगा, तुमको रटना है रट लेना, मेरे सर ने मुझे रटवाया था, ठीक है। लेकिन मुझे जब मैं खत्म कर रहा था, ये पूरा सिलेबस खत्म कर रहे थे सर, तो मुझे समझ गया, अरे यार ये जो सर ने रटवाया, रटने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा है, समझ में भी आ जाएगा, मैं तुमको एक टेबल भी बना के दे दूंगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो क्या है यहाँ पे, किसी लॉग समथिंग विद द बेस 10, ये मैंने आज डाउट क्लास में भी बहुत बार एक्सप्लेन किया, ठीक है, लॉग समथिंग विद द बेस 10 की वैल्यू 1.2 आ रही है। अब तुम मत सोचो लॉग, उसको छोड़ो, लॉग एक्स विद द बेस 10 इज इक्वल टू 1 कब आता, जब तुम एक्स को रखते 10, लॉग एक्स विद द बेस 10 2 कब आता, जब तुम एक्स को रखते 100, मानते हो ना, 100 होता तो 2 आता, ये 10 होता तो 1 आता, तो यहाँ पे वैल्यू आया 1.2, तो इतना कंफर्म है, ये 1.21 और 2 के बीच में है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा ये पक्का 10 और 100 के बीच में होगा। तुम सोच के देखो यार, 10 रखते तो 1 आता, 100 रखते तो 100 रखते तो 2 आता, तो ऑब्वियसली 100 और 10 और 100 के बीच में कुछ रखे होंगे, तभी तो 1.2 आया है। तो मैं सीधा बोल देता हूँ, ये जो n है ना, n बिलोंग्स टू 10 से लेके 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 10 से लेके 100 के बीच में ही होगा, हमको पता भी तो है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 10 से लेके 100 के बीच में ही होता है, तो सही तो है। तो 10 से लेके 100 के बीच में कोई भी तुम नंबर सोच लो, कोई भी, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो 16 होने वाला है, तुम 10 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, सारे नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 2, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इन n इज इक्वल टू 2, क्लियर है, ठीक है। नहीं समझा, एक और देखो, समझेगा समझेगा, ये सब समझेगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं तो ये समझेगा, फाइंड, और नहीं समझा तो मैं रटवा भी दूंगा, उसका भी टेंशन लो, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 भी हमको पता है, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, याद होगा मैंने रटने बोला है, ठीक है, तो 1024 में कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी वैल्यू आएगी तो कैसे करोगे, इसी के लिए प्रॉपर वे देखो, इतना तो कर ही लोगे, दोनों साइड लॉग ले लोगे, 3.010, ठीक है, ये वैल्यू तुम निकाल लेना, सब कुछ कर देना, इतना तो करो यार, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ तुमसे, सवाल सुनना मेरा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वहां पे एन की जगह पे क्या रखोगे कि 3 आएगा, अरे एन की जगह पे क्या रखोगे कि पूरा का पूरा 3 आएगा, तो एन की जगह पे अगर मैं लिखता हूँ लॉग एक्स विद द बेस 10 क्या रखेंगे, एक्स विद द 3 आएगा 10 क्यूब, और क्या रखूंगा तो 4 आएगा 10 की पावर 4, तो ये जो नंबर है ये पक्का 10 क्यूब से लेकर 10 की पावर 4 के बीच में होगा, तभी तो 3 पॉइंट समथिंग आया, 3 से बड़ा आया, तो मैं लिख देता हूँ एन बिलोंग्स टू 10 क्यूब से लेकर 10 की पावर 4, अरे समझे ना, 10 क्यूब इज 1000, 10 की पावर 4 इज 10000, 1000 से लेकर 10000 के बीच में कोई भी नंबर तुम उठा लो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इज इक्वल टू 4, क्लियर है। अब तुम सुनो ध्यान से, मेरे सर ने मुझे कैसे रटवाया था, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा अब हर सवाल, ठीक है ना, अब हम बड़े बड़े सवाल लेंगे जो एक्चुअली पूछते हैं। मेरे सर ने मुझे ऐसे करवाया था, मेरे सर ने मुझे बोला था कि यार देख ये कर लेने का पूरा, ठीक है, और ये जो भी यहाँ पे दिखे उसमें एक जोड़ के आंसर लिख देना, ये 1 है एक जोड़ के लिख दिया 2, यहाँ पे क्या है 3 एक जोड़ के लिख दिया 4, तो इसी चीज को मेरे सर ने एक पॉइंट के फॉर्म में लिखाया था, वो मैं तुम लोगों को लिखा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से नोट लिख लो, जिनको रटना है रट्टा मार लो, क्योंकि मैंने तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये रटते हुए ही देखा है, ठीक है, तुम भी रट सकते हो,
अगर तुमको नहीं समझा तो। बाकी एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास कुछ तो भी डाउट पूछना, मैंने उसको ये एक्सप्लेन किया था तो उसने खुद ही जवाब दे दिया था, उसको खुद ही समझ गया था। तो लिख रहा हूँ मैं, इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर इज फाउंड टू बी एन, देखो ना कैरेक्टरिस्टिक क्या था, तो 1.2 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 1, है ना, 3.0 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 3, इसी के लिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है। देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर वुड बी, क्या बोला मैंने, एक जोड़ के लिख देना, वुड बी एन प्लस 1। क्लियर है? अब अपने एक काम करते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस इस्तेमाल, बड़े क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल करते हैं अपने को क्लियर हो जाए। तो बस ये याद रखना कैरेक्टरिस्टिक निकालने का और एक जोड़ के लिख देने का। एक और सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस देखेंगे। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 की पावर 4 लिख लेता हूँ, ठीक है, 5 की पावर 5 लिख लेता हूँ, ठीक है, 5 की पावर 5 कितना होता है वो निकाल लो, ठीक है, 5 की पावर 5 इज 5 × 5 × 5 लिख देता हूँ, 5 बार 5 है 25, 125, 625 और शायद 3125, ठीक है, तो 3125 में कितने आएंगे 4 डिजिट्स, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं सॉल्व करना है इसको, तरीके से करना है, स्टार्ट करते तरीके से, लॉग लिया बोथ साइड, 5 नीचे उतारा, 1 5 को लिखा 10/2 और उसको लिखा लॉग 10 माइनस लॉग 2, ठीक है, 1 माइनस 0.3010, ये क्या है 0.996, हाँ यही आया था 0.6990, मल्टीप्लाई कर लो यार, ये क्या मेरे पास पहले कभी किया नहीं है, मैंने नया सवाल दिया है, ठीक है, 5 4 3 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, देख लेना कुछ वैल्यू गलत भी कैलकुलेट कर सकते हो, 3.495 है, ठीक है। तो अब वही सवाल है यहाँ पे, यहाँ पे एल को क्या रखोगे कि 3 बनेगा, तो 10³ क्या रखोगे कि 4 बनेगा, 10 की पावर 4, तो ऑब्वियसली ये 3 और 4 के बीच में है, तो ये भी पक्का जो बोल सकता हूँ मैं 10³ से लेकर 10 की पावर 4 के बीच में होगा। 10³ कितना होता है 1000, 10 की पावर 4 कितना होता है 10,000, इन दोनों के बीच में कोई भी डिजिट लोगे तो, कोई भी नंबर लोगे तो उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 4 ही तो होते हैं, ठीक है, नहीं तो तुम सीधा इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालो, 3.495 का 3 आएगा और उसमें एक जोड़ दो, तो आंसर इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 की पावर 5 इज 4, समझ में, 3 आएगा उसमें एक जोड़ दो, दैट इज आंसर, ठीक है, ये जुगाड़ है पूरा का पूरा, जुगाड़ बताया मैंने, ठीक है। अब देखो जैसे KVPY, तुम लोग मुझे बोलते हो सर KVPY की तैयारी करनी है, तो पूछते यही सब है, बस ये क्या थोड़े से हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए ये सब भी पहले से ही करवा दिया जाता है। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 12 की पावर 100, तो 12 की पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, तो n इज इक्वल टू 12 की पावर 100, दोनों साइड लॉग लिया, लॉग n इज इक्वल टू लॉग 12 की पावर 100, 100 log 12, ठीक है, लॉग 12 को 12 को लिखा मैंने 2² × 3, 2 log 2 प्लस log 3, फर्स्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने, तुम भी कर सकते हो, 0.30 प्लस 0.4771, ठीक है। अब ये जानते हो क्लास होता ना, तो इतना मैं तुमको करके नहीं दिखाता, क्योंकि मेरे को तो तुमसे भी ज़्यादा आलस आता है ये सब करने में, ठीक है, अभी मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोग सामने नहीं हो, वरना तो सब तुम्ही लोगों से कराता और डेटा भी तुम्ही से पूछता, ठीक है, क्या तो भी आ रहा है पता नहीं, कुछ तो भी बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, नहीं, एक काम करो यार, ये 100 मत करो, ठीक है 100 ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लिखेंगे 107.91 आया, ठीक है, देख लेना सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो अब मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ इसमें, सिंपल सा आंसर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन
ट्वेल्व की पावर हंड्रेड इज 107, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 107, उसमें एक ऐड कर दिया 108, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हो गया काम खत्म, ठीक है। ज़्यादा उसके बारे में अगर अपने डिटेल में फालतू चीज़ें अगर उसमें लिखते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, कितना भी बड़ा होता जाएगा वो, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट, जैसे ये केवीपीवाई में आया हुआ सवाल है, केवीपीवाई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इन 25 की पावर 60, तो ऑब्वियसली निकालने तो बैठोगे नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 को 60 बार, पता चला, लिख देता हूँ log n is equal to 60 log 25, ठीक है। 25 को क्या लिख सकते हैं, सबको पता है 5 स्क्वायर, स्क्वायर सामने उतरा 120 log 5, ठीक है। log 5 को क्या लिखेंगे, 120 लिख देता हूँ, 5 को क्या लिखेंगे 10/2, 10/2 को log 10 माइनस log 2, 120, 1 माइनस 0.3010, यहाँ से लॉग इन आ जाएगा 120 इंटू 0.6990, ये तो मल्टीप्लाई करोगे ही, तो ये तो कोई तुमको बताने वाला नहीं है, तुमको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा, तो ये तुम मल्टीप्लाई करोगे तो, क्योंकि मेरे पास करके है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कुछ तो भी 83.88 आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तुमसे कोई बोलेगा इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, तो नंबर ऑफ डिजिट्स समझ रहे हो ना, मतलब इन 25 की पावर 60, मतलब 25 को अगर 60 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसमें अगर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे तो इज 84, ठीक है, 84 डिजिट्स आएंगे उसमें, कैलकुलेटर से करके देखना है तो करके देख लो, ठीक है। तो ये आज के लिए काफ़ी है, मुझे को लगता है समझ में आया होगा, ठीक है। तुम लोग जो लोग ब्लैक बुक सॉल्व कर रहे हो उसमें एक मैंटिस्टा के क्वेश्चन है, उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही दिन में पूरा नहीं खत्म करता हूँ, कल के लेक्चर में मेरे को लगता है लॉग पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडवांस का एक लेक्चर रखेंगे ये वीक के लिए, ठीक है, और फिर मंडे से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।